आखिरकार 23 दिन बाद पूरी हो गई मन्नत। किंग खान का बेटा लौट आया घर। आर्यन को मिल गई जेल से आजादी। आर्यन को जमानत तो गुरुवार को ही मिल गई थी, लेकिन जेल से रिहाई शनिवार सुबह करीब 11 बजे हुई। ये जेल से बाहर निकलने पर आर्यन की पहली झलक थी। आर्यन 7 अक्टूबर से जेल में बंद थे। शाहरुख खान अपने बेटे को लेने खुद आर्थर रोड जेल गए। शाहरुख ने अपनी गाड़ी को जेल के गेट के पास लगाया। वो खुद गाड़ी में बैठे रहे और आर्यन बाहर निकलते ही शाहरुख वाली गाड़ी में बैठ गए। आर्यन ने ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। जाहिर है किंग खान के परिवार के लिए ये खुशी का मौका है। आर्थर रोड जेल के अधिकारियों के मुताबिक रिहाई की खबर से आर्यन खुश दिखे। आर्यन ने दूसरे कैदियों से बात की और उन्हें गले लगाया। आर्यन ने अधिकारियों से रिहाई का समय भी पूछा था, क्योंकि जाहिर है जमानत मिलने के बाद आर्यन भी इंतजार कर रहे थे कि वो कब अपने घर जाएंगे। शाहरुख जब बेटे को लेकर मन्नत पहुंचे तो यहां फैंस और मीडिया का हुजूम था। शाहरुख के घर की बालकनी में कुछ लोग खड़े थे और जैसे ही शाहरुख की गाड़ी आर्यन को लेकर अंदर पहुंची तो सब लोग एक दूसरे से गले मिले और अपनी खुशी का इजहार किया। शाहरुख के फैंस यहां पहले से मौजूद थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे। आर्यन के स्वागत के लिए शाहरुख के घर मन्नत पर जोरदार तैयारियां की गई थी। मन्नत को रोशनी से नहला दिया गया था। आर्यन को जमानत तो मिल गई है, इससे पूरा परिवार खुश भी है। आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी और विदेश जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन किंग खान के परिवार के लिए सुकून की बात यह है कि बेटा घर लौट आया है और दिवाली से पहले ही शाहरुख के घर दिवाली मन गई है और किंग खान के बर्थडे से पहले ही उन्हें बर्थडे का गिफ्ट भी मिल गया है। ABP News आपको रखे आगे।